नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। मेराल उत्तरी जिला परिषद प्रतिनिधि तथा ओबीसी आरक्षण मंच के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया छठ घाट का निर्माण। मेराल से मुजब्बिल अंसारी की रिपोर्ट। मेराल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरंगी पंचायत ग्राम कुंभी टोला सुखी में मेराल उत्तरी जिला परिषद सदस्य अतहर अंसारी तथा ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष मंजय चौधरी के नेतृत्व में छठ घाट का निर्माण किया गया। इस संबंध में आपको बताते चले कि मेराल उत्तरी जिला सदस्य अतहर अंसारी ने बताया कि ग्राम कुंभी टोला सुखी चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। वहाँ का स्थानीय ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अतहर अंसारी को फोन करके कहा कि हमारी भी श्रद्धा है कि हम भी छठ करें, परंतु छठ घाट नहीं होने के कारण हमें बहुत दिक्कत होती है। आपसे सहयोग की उम्मीद लेकर आए हैं, आप हमारी सहयोग करें। तो इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों के लिए छठ घाट का निर्माण ओबीसी आरक्षण मंच के जिलाध्यक्ष मंजय चौधरी के सहयोग से छठ घाट का निर्माण कराया गया। और इस मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य अतहर अंसारी ने कहा कि हमारी कमी से लोगों को जहां भी महसूस होती है तो हमें एक बार ज़रूर याद कीजिए। मैं आपके सेवा में हमेशा से हूं और हमेशा के लिए तत्पर रहूंगा। हमें अपने नेता समझकर नहीं बल्कि अपने घर का बेटा भाई समझकर याद कीजिए। मैं आपके उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं आपके कोई काम आ सकूँ यह मेरा सौभाग्य होगा। इस काम में मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। मुझे लगा कि आपको छठ घाट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपके लिए अपनी छोटी सी योगदान दिया। इस मौके पर वहां पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य अतहर अंसारी, ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष मंजय चौधरी, भावी मुखिया प्रत्याशी चिंता देवी, समाजसेवी परवीन यादव, उमेश चौधरी, राम बच्चन यादव, संजीत चौधरी, चिमल पासवान, संतोष पासवान, योगेंद्र पासवान, सूरज पासवान, चंद्रपति राम, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, शिवनाथ राम, अनूप राम, रामाधार चंद्रवंशी, आशीष सिंह, बबलू सिंह, योगेंद्र यादव, गोपाल नारायण यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।